पांच मिनट। अरे दुकान नाम क्या है? नव दुर्गा। इसका नाम है नव दुर्गा, जहाँ भवानी खुदा आती है, सबको इडली खिलाती है, खिलाने वाला सेवा वो करते रहता है। पूरी गदौलिया से लेकर अस्सी के बीच में अगर कभी भी हम लोग आए, इनका दुकान बंद होता है तो फिर दूसरी जगह इडली खाने जाते ही नहीं हम लोग। स्वादिष्ट है, एक नंबर ताज़ा मिलता है। और क्या, दादा ने शुरुआत की थी ठेले से, ठेले पे लाते थे, अपना सेटअप लगाते थे, उसके बाद देते थे, उसके बाद दादा ने अपना सेटअप यहाँ खोल लिया। आपको खाना होगा तो गर्म ही मिलेगा, ठंडा मिल ही नहीं सकता। दादा कहना है, दादा का काम है कि देना तो है आपको, बट वो गर्म इडली खिलाते हैं। उनके यहाँ इडली तभी बनती है, आज का बना, आज खिलाया, आज ही खत्म। जीन से सब रियाज मार के आते हैं, ये खाते हैं। हम नाश्ता में इनका इडली खाते हैं, दो चार टू, फिर अपना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट पे अपना जो रोज का डाइट रहता है उसको हम खाते हैं। फ्री वर्कआउट मेरा मानी ये है। इडली बहुत सॉफ्ट होती है, चटनी बहुत अच्छी होती है इसमें, वो एक तीखी चटनी भी डालते हैं, इसलिए थोड़ा और टेस्ट भी उससे अच्छी बन जाती है। नव दुर्गा की इडली सबसे बेस्ट, उनका मुकाबला नहीं इडली के। दुनिया का सबसे अनोखा बनारस है, अनोखा, कहीं नहीं मिलेगा। रस नहीं जो पी नहीं पाओगे, इसी का नाम है बनारस। बेटा ले देख ताली। नहीं, यही खाइबे ही करते हैं हम लोग, और कहीं नहीं खाते हैं। कभी कभी 6 बजे चले आते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इंतजार करते हैं, और लेट होता तो भीड़ इतना हो जाता है कि कोई लाइन लगाने इडली मिलना ना मुमकिन हो जाता है। दादा हमको दो, दादा हमको, दादा हमको दो। कोई ऐसा कस्टमर नहीं है कि जो 20 ठो 30 ठो 10 ठो 15 ठो 20 ठो पैकिंग ना करा के ले जाए। हम भी आए खाएंगे, 10-15 ठो पैकिंग कराएंगे, लेके चले जाएंगे। हम लोग बाबा के भोलेनाथ के भक्त हैं। हर साल सावन में हम लोग बहुत कठिन कठिन यात्रा हम लोग करते हैं। हर साल सबसे कठिन यात्रा देखिए ये है, किन्नर कैलाश। ये हिमाचल में किन्नौर जिला में ये है। ये इस समय बनारस में सबसे अच्छा नाश्ता यही है। इसमें तेल नहीं है, मसाला नहीं है, आदमी अगर खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अरे सब जीम से सब रियाज मार के आते हैं, ये खाते हैं, क्योंकि इसमें कोई तेल मसाला नहीं है। कितना चाहिए? दो। पाँच मिनट। पाँच मिनट। माँ का दर्शन करवा दें आपको, वहाँ फोटो लेना मना होगा तो फोटो मत लीजिएगा।
इन्हीं के नाम से हमारा दुकान है, इनके नाम से हमारा दुकान है। हम मतलब यहीं लगाते लगाते अब इच्छा हुआ दुकान का नाम रख दे, बोर्ड बनवा दिए, तीन के नाम से बोर्ड बन गया, नव दुर्गा माँ। इन्हीं का सब है, माँ का सब देन है, हमारे भोले बाबा का सब देन है। हम क्या, हम कुछ नहीं है, सब सब देखिए उन्हीं लोग के ऊपर है। एकदम एक नंबर का, इसलिए तो हम लोग जल्दबाजी में खा रहे हैं। जल्दबाजी क्या है, आराम। बहुत ही अच्छी दुकान है और हम लोग खाए तो पहले तो खा नहीं रहे थे ये लोग, लेकिन जब थोड़ा सा स्वाद चखा तो बहुत सारी दो दो पत्ते सबने खाए, बहुत ही अच्छा लगा। और दादा की प्रसिद्ध दुकान है शुरू से। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे एमपी से हूँ, लेकिन यहाँ रहता था तो यही नाश्ता करता था, आज परिवार को लेके आया था, इन लोगों ने भी खाया। तीन तो खाए। हाँ, मेरा तरह तो भैया लोग का भी पैसा काट लीजिएगा। अरे काट लीजिएगा, 10-5 मिनट बाद भीड़ इतना हो जाएगा कि कोई लाइन लगाना पड़ेगा इंसान को। हम लोग बीएचयू से आते हैं यहाँ खाने के लिए। मार्केट में तो बहुत सारा आइटम मिलते हैं, बहुत जगह मिलता है, यहाँ पे क्या इतना खास है? इनकी चटनी, इनकी इडली, सॉफ्टनेस उसकी, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। स्वादिष्ट है, एक नंबर ताज़ा मिलता है, और क्या। सबसे बड़ी बात है ना कि दादा का, जैसे हम लोग बगल के ही हैं, हम लोग रेगुलर हैं मतलब इनके, तो दादा ने शुरुआत की थी ठेले से, ठेले पे लाते थे, अपना सेटअप लगाते थे, उसके बाद देते थे, उसके बाद दादा ने अपना सेटअप यहाँ खोल लिया। और दादा का इतना मतलब, अगर आप ना लाइन में 10 मिनट खड़े नहीं हो गए ना तो आपको मिलने वाला नहीं है, ये गारंटी है। दादा कहना है, दादा का काम है कि देना तो है आपको, बट वो गर्म इडली खिलाते हैं, उनके यहाँ इडली तभी बनती है, आज का बना, आज का खिलाया, आज ही ख़त्म, कल फिर। तो दादे की इडली 12 बजे तक एकदम निश्चित है कि 11-12 बजे तक खत्म होना ही होना है। और इनके यहाँ जब खत्म होती है तो लोग उसके बाद भी आते हैं, कहते दादा इडली खिलाए, दादा बोलते हैं कि नहीं अब कल, आज नहीं मिलेगा, दादा की इडली खानी है तो 11 बजे के पहले आना है। आप यहाँ पे कब से आ रहे थे? मैं तो जब ये शुरुआत की है इडली बनाना तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। इनका हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब से जो है, और अब तक जो है इनकी इडली के अलावा दूसरी इडली पसंद नहीं करते, पूछते हैं कि यहीं से ले आई। इनकी इडली बहुत सॉफ्ट होती है, चटनी बहुत अच्छी होती है इसमें, वो एक तीखी चटनी भी डालते हैं इसलिए थोड़ा और टेस्ट भी उससे अच्छी बन जाती है। आपका नाम क्या? अरविंद राय। धन्यवाद। आप कर दो दे, एक हमको दीजिए, एक खिला। टेस्ट कैसा है अंकल जी? टेस्ट कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बहुत पहले से आ रहे हैं, 300 साल हो गए। 15-16 साल में लोकली है, इनके अलावा कहीं इडली खाते ही नहीं है। पूरी गदौलिया से लेकर 80 के बीच में अगर कभी भी हम लोग आए, इनका दुकान बंद होता है तो फिर दूसरी जगह इडली खाने जाते ही नहीं हम लोग इनके अलावा। बहुत अच्छा था। आपको खाना होगा तो गर्म ही मिलेगा, ठंडा मिल ही नहीं सकता। सब पिटी रहती है। आपको देख के लग रहा है आप फिटनेस के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। फोकस करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं? जिम वगैरह डेली जाते हैं।
हम नाश्ता में इनका इडली खाते हैं, दो चाटो, फिर अपना वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट पे अपना जो रोज का डाइट रहता है उसको हम फॉलो करते हैं। फ्री वर्कआउट मेरा मन ये है। सबसे अच्छा टेस्ट यही पे मिला, यहाँ का सबसे बेस्ट रहता है यही इडली, नवदुर्गा का इडली सबसे बेस्ट। इनका इडली क्या होता है कि काफ़ी सॉफ्ट होता है और चटनी भी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत बढ़िया जगह है, मतलब हम अच्छे साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं इडली के। इसका मसाला बहुत टेस्टी है, इडली भी सॉफ्ट है, रांची के। ये एक प्लेट में दो इडली आती है, ठीक है, एक प्लेट में। हाँ, ये आपका चटनी आ गया, चटनी। हाँ, ये आ गया राइस के ऊपर राइस। अब ये चौक वाला रहता है राइस जी। ये होगी प्लेट 20 रुपये की, 20 रुपये। अभी पता चला कितना भीड़ क्यों लगता है यहाँ पे। दादा ये कौन सा? 2 प्लेट।